तो एक हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि बहुत सिंपल है, मैं अपना उसका लॉजिक भी बताऊंगा तुम्हें, तो वो याद रखना। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 100 जाइगोट। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 100 जाइगोट या ऑब्लिक करके कह रहा है कि 100 ग्रेन फॉर्मेशन। पहली बात जो कह रहा है कि मियोटिक डिवीजन, ये कह रहा है कि मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 जाइगोट। देखो 100 जाइगोट या 100 सीड कह रहा है, ग्रेन्स कह रहा है, ग्रेन्स या सीड की बात है। पहली बात तो आपको ये है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जाइगोट कब बनता है। जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, या सीड फर्टिलाइजेशन। अगर आपको वो नहीं पता है तो आपको ग्रेन्स पता होना चाहिए कि सीड फॉर्मेशन कब होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद। इसका मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे। ओके, अगर 100 मेल बनाना है तो हमको 100 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं तो कितना होगा, 25 मियोसिस होगी। ठीक है, 25 फीमेल में अगर 100 करना है डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 25 आएगी। इसमें तुम्हें पता है ये, अब यही समझने वाली बात होती है कि जैसे कि ये गलती हो जाती है कि 25 25, तुम्हें पता है कि फीमेल में आउट ऑफ 4 होता है 3 बी जनरेट कर जाते हैं और एक ही क्या होता है, फंक्शनल होता है। अब एक मियोसिस से एक प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके मतलब 100 एक के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 मियोसिस करनी पड़ेगी हमें। अब जब 100 मियोसिस करेंगे तो टोटल मियोसिस कितनी हो जाएगी, 125 मियोसिस हो जाएगी। 125 मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 सीड। अब लॉजिक मैं लॉजिक बता देता हूं तुम्हें, सीधा सीधा लगाइए आपको तुरंत 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लॉजिक ये कहता है कि जितने का पूछा जाए, 100 ग्रेन है तो 100 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, ठीक है, प्लस 100 जितना दिया जाए, मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 25 हुआ प्लस 100 हुआ कितना आ गया 125। मतलब ये गिवन आस्किंग या कितने का पूछ रहा है, गिवन या आस्किंग हो जितने का भी पूछ रहा है, जैसे 100 का पूछ रहा है तो आप 100 रखिए, 100 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 100 और फिर उसी को जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। मतलब जिसका जितना पूछ रहा है, जैसे मेरा 100 का पूछ रहा है तो हमारा क्या है गिवन, 100 गिवन है तो गिवन डिवाइडेड बाय 4 प्लस गिवन जितना दिया हुआ है, तो 100 हमारा गिवन दिया है डिवाइडेड बाय 4 प्लस 100 तो हमारा सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो इसकी गलती मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,